हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हो एंड आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। पर्सनली मेरा दिवाली थोड़ा अच्छा रहा कंपेयर टू लास्ट ईयर। कुछ शॉपिंग वगैरह कर लिया था इनफैक्ट। ऑल राइट, तो आज के इस वीडियो में 1983 वर्ल्ड कप का एनालिसिस करेंगे एंड 1979 का जो फाइल है उसमें थोड़ा कुछ इश्यूज है एंड उसको मैंने ठीक करने का ट्राई किया बट हुआ नहीं। एंड आधा अधूरा फाइल से अगर मैं एनालिसिस करूँगा तो एनालिसिस भी आधा अधूरा रह जाएगा एंड इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी उसको स्किप करके 1983 का जो वर्ल्ड कप है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। एंड अभी वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल का सीज़न भी है एंड इस पे मतलब 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में अगर बात भी कर लूँ तो विल बी लाइक यू नो आप लोग के लिए भी आई थिंक मज़ेदार रहेगा। आई थिंक आप लोग भी इसको इंजॉय करोगे। ऑल राइट, चलो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप फाइल देख सकते हो, फाइल वन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 के नाम से मैंने इसको सेव किया है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ पर दो कॉलम्स को ऐड करूँगा। एक होगा WON वन एंड दूसरा होगा डिफीट। अभी आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये दो कॉलम्स मैंने क्यों ऐड किया है। बेसिकली ये इसमें एनालिसिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल यूज़फुल होता है कि कौन सा टीम ने कितनी मैच जीते और कितनी मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कॉलम्स मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करूँगा मैं एंड ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन का रिजल्ट आएगा। जितने भी मैच जिस टीम ने भी जो मैच जीता है वहाँ पे सिर्फ मैच जीतने का रिजल्ट ही आएगा और यहाँ पे ये कॉलम में सिर्फ डिफीट का ही कॉलम आए रिजल्ट आएगा। ऑल राइट, तो इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट अगर ये है इज इक्वल्स टू G3 इज इक्वल्स टू लॉजिकल टेस्ट इन्वर्टेड कॉमा में WON। ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर है। ओके, अब ये इन्वर्टेड कॉमा उसको क्लोज करूँगा, कॉमा वैल्यू एफ ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टम को कि डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्ले WON इनवर्टेड कॉमा क्लोज और वैल्यू अगर फॉल्स हो तो ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज। मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। ड्रैग कर लिया, उसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। सिमिलरली डिफीट का भी ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सेम फॉर्मूला है। द ओनली डिफरेंस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे वन के जगह डिफीट लिखूँगा। तो G3 इज इक्वल्स टू सॉरी लॉस्ट लिखूँगा मैं। G3 इज इक्वल्स टू लॉस इनवर्टेड कॉमा क्लोज वैल्यू ऑफ ट्रू लॉस्ट इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज वैल्यू फॉल्स जीरो। ओके, ये नीचे तक स्क्रॉल हो गया है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये वाले कॉलम पे सिर्फ जीतने का रिजल्ट आया है और नेक्स्ट वाले कॉलम में सिर्फ मैच हारने का रिजल्ट आया। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। ओके, अब मैं इसको सेव कर लूँगा। ओके, अब चलते हैं मैं पावर बी आई में और ये फाइल को क्लोज भी कर लेता हूँ मैं। गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक
ये वही फाइल है। आज का टाइम क्या है, मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब इनफैक्ट सुबह 3:52 AM 12 नवंबर को। सो यही वो मेरा फाइल है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड देखो शीट 1, मैं इसको क्लिक करूँगा, उसको लोड सेलेक्ट कर लूँगा, लोड ऑप्शन। अभी ये लोड होने में टाइम लगेगा। ओके, इन द मीन वाइल मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि बार बार मैं पावर बी आई की वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं डेटा एनालिसिस की जॉब्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली नॉट फ्रॉम द डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस बैकग्राउंड। मेरा डिग्री कुछ और फील्ड में, बैचलर ऑफ आर्ट्स मेरा डिग्री है, एंड मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है बेसिकली कॉल सेंटर्स में रहा है। सो वे कॉल सेंटर से डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के फील्ड में, अगर मुझे ट्रांजिशन करना है तो मुझे प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स और एनालिसिस ये वीडियोस के थ्रू मैं अगर दिखा भी दूंगा रिक्रूटर को, तो रिक्रूटर को एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस पर्सन के पास बेसिक नॉलेज तो है। इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक तो है, बेसिक से फेमिलियर है। एंड उससे क्या होता है कि इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा क्रिएट हो जाता है इंटरव्यू में। ऑलराइट, अब ये फाइल लोड हो गया है। अब यहाँ पे फाइल साइज़ भी, ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे जैसे ही ये वाला आइकन दिखेगा तो आप समझ जाना कि इसमें टोटल सम टोटल करने में आसान हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये नहीं है तो फिर मतलब जहाँ पे आपको सम टोटल चाहिए तो वो नहीं मिलेगा आपको। सो ये मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ। ओके, सो मैं क्या करूँगा, अब एक टेक्स्ट बॉक्स, कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूँगा। एंड उसके पहले इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ मैं, मुझे कौन सा कलर चाहिए। ये कलर सही होगा। आई थिंक ये कलर सही है। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स नहीं, शेप्स इंसर्ट कर लूँगा टाइटल्स के लिए। तो कॉपी करूँगा, मैंने मल्टीपल इसलिए किया है बिकॉज कुछ मल्टीपल ऑप्शंस के लिए मल्टीपल हेडर्स चाहिए होंगे मुझे। कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो उसको डिलीट कर डालता हूँ। मैं बार बार एक एक बॉक्स का साइज चेंज करने से अच्छा मैं फॉन्ट फॉर्मेट पेंटर कभी साइज छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके योगा मारा हेडर। ओके, यहाँ पे आऊँगा स्टाइल में और ये टेक्स्ट बॉक्स को ऑन कर दूंगा। मैं कलर में मुझे चाहिए, अगर टेक्स्ट बॉक्स का कलर पहले सबसे पहले चेंज कर लेते हैं ग्रीन। ओके, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर,
मैं 2 टाइम्स और कर लूँगा, ईजी पड़ जाता है, काइंड ऑफ शॉर्टकट है ये। ओके अब इसको टाइटल दे देते हैं हम, पर स्टाइल में आऊँगा, शेप में टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक, वो है फॉन्ट कलर। अब यहाँ पे वाइट देख सकते हो, वहाँ पे मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। और टेक्स्ट फॉन्ट टाइप मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ एरियल ब्लैक, बोल्ड एंड सिंपल, विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप एनालिसिस, फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर लेते हैं। ओके अब ये वाला जो हेडर है इसको थोड़ा नीचे से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक AI वाला फील्ड है, Q&A, ये बेसिकली एक AI का एक फील्ड है ये, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। अब ये लोड होने में टाइम होगा। बेसिकली ये Q&A फील्ड जैसा नेम सजेस्ट करता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल रन स्कोर, अब मैं इसको क्लिक करूँगा, ट्वेल्व थाउजेंड रन्स, देख रहे हो बड़ा कमाल का फीचर है ना, ये AI का फीचर है ये पावर BI में। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हु वॉज द विनर? वेल आप सब तो जानते होंगे कि इंडिया वॉज अ विनर, बट क्या है कि यू नो जो लोग क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं, राइट, लेट्स से कोई आउट ऑफ इंडिया है जो क्रिकेट फॉलो करता नहीं है, कुछ कंट्रीज हैं एंड उनको अगर डेटा चाहिए, ठीक है, हो सकता है अगर उनको हिंदी ना समझ में आए बट एटलीस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन देख के तो उनको समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर तो क्रिकेट कोई फॉलो नहीं करता, तो यूनाइटेड स्टेट्स में किसी ने अगर इस वीडियो को देख लिया और वो पूछेगा, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन क्लिक करते ही डेटा आ गया यहाँ पर। सो AI का फीचर है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो डेटा से रिलेटेड, यहाँ का डेटा से रिलेटेड, और आपको आंसर दे देगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय यू नो फेवरेट फीचर्स, ये बहुत अमेजिंग फीचर है पावर BI में। लेट्स से कि काउंट टीम्स, इंस्टेंटली मेरे को रिजल्ट दे दिया 9। ओके ये हो गया AI का फीचर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन, टीम वाइज मैचेस वन। एक स्टैक कॉलम एम पे इंसर्ट कर लूँगा, थोड़ा यहाँ तक ट्रैक कर लेता हूँ। ओके एक्स एक्सिस में होगा टीम और वाई एक्सिस में होगा रन्स स्कोर्ड। यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट इंडीज ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया 1756, और इंडियन टीम की अगर बात करोगे तो 1706, यानी वेस्ट इंडीज़ से हम लोगों ने 50 रन कम स्कोर किए बट फिर भी हम मैच जीत गए। एंड इसका मतलब है कि हमारा बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा रहा है। ओके अब यहाँ पे हेडर लिखूँगा, टीम वाइज मैचेस, टीम वाइज रन स्कोर्ड, फॉन्ट कलर फिर से आके चेंज करूँगा ब्लैक, फॉन्ट टाइप एरियल ब्लैक।
टीम वाइज रन्स स्कोर्ड। आई थिंक ये सही होगा। ओके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके एंड जब भी आपको डैशबोर्ड बनाते समय जब भी आप किसी को डैशबोर्ड प्रेजेंट करते हो एंड आपको अगर दिखाना है इनलार्ज करके तो यहाँ पे फोकस मोड में क्लिक कर लेना, डेटा आ जाएगा आपके सामने। कूल यहाँ पे कर्सर प्लेस कर लेना, डेटा अपने आप दिखा देगा आपको। ओके नेक्स्ट फॉर्मेट पेंटर। ओके यहाँ पे है टीम वाइज रन स्कोर्ड एंड नेक्स्ट और ऑप्शन टीम वाइज विकेट्स टेकन। टीम वाइज विकेट्स टेकन एंड ये वाला ऑप्शन को भी थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। ओके वंस अगेन स्टैक कॉलम, ये ग्राफ में जो है ना इस टाइप के ग्राफ के लिए स्टैक कॉलम यूज़फुल होगा। और वंस अगेन टीम एक्स एक्सिस में होगा टीम एंड वाई एक्सिस में होगा विकेट्स टेकन। आप देख सकते हो कि इंडियन टीम ने टोटल 78 विकेट्स लिए पूरे टूर्नामेंट में, वेस्ट इंडीज ने 69। यहाँ पे ये सम भी प्रॉपरली दिख रहा है कि 1979 के जो फाइल साइज फाइल टाइप जो था उसमें ये सम और ऑप्शन लोड करने के बाद भी पावर पीआई दिखाने रहा था एंड दैट इंडिकेट्स कि फाइल में कुछ इश्यूज रहा होगा। कभी अगर सी एस वी फाइल है तो डेटा कभी प्रॉपरली रीड नहीं करता। ओके नेक्स्ट यहाँ पे इसको भी ऊपर ट्रैक कर लूँगा, नहीं इसको थोड़ा अलाइन भी कर लेता हूँ। वैसे ये थोड़ा सिंपल डैशबोर्ड है, कोई एडवांस डैशबोर्ड नहीं है ये, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं इस टाइप के डैशबोर्ड्स बना रहा हूँ। वंस अगेन स्टाइल में टेक्स्ट फॉन्ट टाइप एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज होगा 15 15, फॉन्ट कलर होगा ब्लैक। टीम वाइज विकेट्स लॉस्ट। अभी फॉन्ट साइज ओके अभी परफेक्ट है। ओके एक और स्टैक कॉलम
अब एक्स एक्सिस में टीम एंड वाई एक्सिस में होगा विकेट्स लॉस्ट। यहाँ पे 64 विकेट्स, उसके बाद श्रीलंका 65, श्रीलंका 56। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन टीम 65 विकेट्स गवाए, श्रीलंका ने 56, न्यूजीलैंड 53, वेस्ट इंडीज़ 45। तो यानी वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा था पूरे टूर्नामेंट में, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल, राइट। एंड यहाँ पे अगर प्लेयर वाइज एनालिसिस अगर मुझे करना हो वो एक्चुअली कर नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, बैट्समैन और बॉलर्स कौन थे एंड ऑल दैट। हो सकता है उसके ऊपर भी मैं एक अलग अलग एनालिसिस कर लूँगा, फाइल अगर मुझे मिल जाता है डेटा तो। डेटा आई थिंक मिल जाना चाहिए, कई सारे वेबसाइट्स जैसे ESPN, ESPN है, स्टार स्पोर्ट्स है, कई और सोर्सेस से मैं डेटा कलेक्ट करके ट्राई करूँगा, एंड कुछ और भी एनालिसिस और फील्ड के ऊपर भी एनालिसिस करने का ट्राई करूँगा। ऑलराइट, अब ये हो गया टीम वाइज। अब ये लास्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा टीम का क्या परफॉर्मेंस रहा है, मतलब कितने मैचेस जीते और कितने मैचेस हारे। ओके, अगर ये बॉक्स हमें यूनिफॉर्म रखना है तो प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे इसका वेथ है 622, इसका वेथ देखेंगे इसका वेथ कितना है, इसका भी वेथ 622 कर देंगे। Y22, ओके, इसका वेट थोड़ा कम कर लेता हूँ। ओके, ये आई थिंक फाइनली परफेक्ट हो गया। इसका हाइट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके, फाइनली अब यहाँ पे एक पाई चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है इसका टेक्स्ट हेडर क्या होगा, हेडर होगा टीम वाइज मैचेस वन,
फॉन्ट कलर होगा ब्लैक, फॉन्ट टाइप वंस अगेन एरियल ब्लैक, मैं यूनिफॉर्म रखना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए इजी रहेगा, फॉन्ट टाइप होगा 15। टीम वाइज मैचेस वन, फॉन्ट साइज रखता हूँ 20। वंस अगेन यहाँ पर भी सेम सिमिलर फॉन्ट टाइप एरियल ब्लैक, टीम वाइज मैचेस लॉस्ट। ओके अभी पाई चार्ट में एड डेटा टू विजुअल, लेजेंड में होगा टीम, वैल्यूज में आएगा वन। सिमिलरली यहाँ पे आऊँगा लेजेंड में होगा टीम एंड वैल्यूज में डिफीट। ये पर्पल जो है इंडिया है, एट सिमिलरली यहाँ पर आकर देख लेते हैं इंडियन टीम्स ने कितने मैचेस आ रहे हैं। रिजल्ट सेम दोनों सेम दिखा रहा है तो इसका मतलब है देयर इज सम इश्यूज। तो अब यहाँ पे पेज में फिल्टर में आएंगे, यहाँ पर फिल्टर लगा लेते हैं, वन सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली डिफीट को भी यहाँ पे डिफीट देख सक रहे हो। इंडियन टीम 6 मैचेस जीते, चलो यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले ऑप्शन पे, इसको हटाकर लॉस्ट। देखते हैं कि इंडियन टीम कितने मैचेस हारे, पर्पल है ये 2 मैचेस हारे हम। यहाँ पर भी 2 इसलिए दिखा रहे बिकॉज उन पर फिल्टर हटाया नहीं मैंने। कूल आई थिंक ये था हमारा 1983 का वर्ल्ड कप एनालिसिस एंड ये फिल्टर को भी हटा लेता हूँ मैं। ओके ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।